तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट होता है, क्या? कॉर्ड। कॉर्ड एक क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। नया समझ में आया? कंप्लीट हुआ? देखो अभी कंप्लीट हो गया। अब तुमने कहा कि सर ये जो सेंटर को टच करके ना जाए, ऐसा नहीं होता है। सेंटर को टच करके जाने वाली, जैसे ये अगर सर्कल है और सेंटर को टच करके जाने वाली जो लाइन है ना, ये भी क्या, ये देखो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट्स को टच करके मतलब ज्वाइन कर रही है, तो ये भी कॉर्ड है। लेकिन इस कॉर्ड को हम क्या कह देते हैं? डायमीटर के। तो डायमीटर के रिस्पेक्ट में आपने बात सुनी होगी, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सुना है ना। तो डायमीटर भी आपका एक कॉर्ड है, बस वो कैसा, लॉन्गेस्ट, इससे बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अगल बगल कहीं से भी निकालोगे तो इससे तो छोटा होगा ना, बस वही बात है। तो डायमीटर भी है, सेंटर से भी पास हो सकता है, ठीक। फिर आप देखिए ये क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा सेकेंड, सीकेंट, सेकेंड, जो भी आप इसको पढ़ो, है ना, एस ई सी एन टी, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड भी देखो दो पॉइंट्स को टच कर रहा है लाइन के, सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट ना होकर के क्या है? लाइन है। तो क्या होगा? इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी कि ये क्या है? लाइन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। और टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन विच ज्वाइनिंग या विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, ठीक है ना। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट टचेज द सर्कल एट टू पॉइंट्स, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट टू पॉइंट्स, सेकेंड इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट टू पॉइंट्स, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। बात समझ में आई? लिख लेंगे? यस, मैं लिखूंगा नहीं। फिर एक स्टार पॉइंट कर लिखेंगे, स्टार पॉइंट, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इंटू थ्री पार्ट्स, कौन कौन सा इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। पहला इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तीसरा ऑन द सर्कल। हो गया, ये लिख लीजिए। तो क्या कह रहा है थ्योरम वन कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कल, ठीक है। देखिएगा भाई, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आपके बुक में यहाँ से दिया होगा इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, यही दिया होगा ना। लेकिन यहाँ चूंकि थ्योरम है, थ्योरम का मतलब होता है प्रूफ करना, तो हम इसे प्रूफ इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ प्रूफ दैट। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने से पहले आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? सर्कल। बिना सर्कल का प्रूफ नहीं होगा, क्लियर एंड कट, राइट। सर्कल बनाएंगे, सर्कल का आप सेंटर दे देंगे, फिर कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो भाई आपके पास एक सर्कल है, उसके दो इक्वल कॉर्ड्स आपने ले लिए, मान लो एक कॉर्ड ले लिया हमने ए बी और दूसरा कॉर्ड हमने ले लिया यहाँ पे, मान लो वो है सी डी, ठीक है। ये दोनों लेंथ में क्या है? इक्वल है। लेंथ में क्या है? इक्वल है। तो गिवन क्या है तुम्हारे पास?
given a circle having two equal chords AB and CD, ठीक है ना, AB and CD. सो दे आर सबटेंडिंग द एंगल एट द सेंटर. वॉट इज सबटेंडिंग का मतलब, किसी दो जगह से किसी एक पॉइंट पर जब हम कभी कोई चीज ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको कहते हैं सबटेंड करना. तो मान लीजिए ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दो एंड पॉइंट से मैं यहाँ आ रहा हूँ, यानी कि इस तरह से मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस सबटेंड एंगल करना कहते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं एंगल सबटेंड होना. सिमिलरली आप यहाँ से भी आओगे ऐसे. तो ये प्रूफ करना चाहता है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है. तो यहाँ प्रूफ क्या करना चाहता है, टू प्रूफ मतलब एंगल ओ बराबर एंगल ओ. तो यही तो तुम लोगों की गलती है, एंगल ओ तो ये भी हो सकता है. क्यों इसको ऐसे लिखने में क्या तुम लोगों की समस्या है भाई, AOB is equal to angle COD, सीधा एंगल ओ बराबर एंगल ओ है. नो माय डियर, हाँ पॉइंट्स हैं तो बिल्कुल, वो तो एक सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट पे कह रहा है प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स. नहीं ये डी है, नहीं नहीं यार थोड़ा सा है, डी है ये, डोंट कन्फ्यूज्ड. मैं लिखते वक्त बोलता भी हूँ, मेरी आदत है. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमें ये प्रूफ करना है. चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको. देखिएगा, आपको अगर दो एंगल्स प्रूफ करना होगा इक्वल है ना, और दोनों ही आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल में सबसे अच्छी चीज़ हमने पढ़ी है अभी इसके पहले वाले चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंस है ना, कि अगर किसी दो चीज़ों को आपको इक्वल दिखाना हो तो उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा, तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते. तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड एंगल ट्रायंगल COD. आप देखो दिया हुआ है कि जो AB है वो CD के क्या है, इक्वल है, ये गिवन पार्ट है. इसके बाद आप देख रहे हो कि किसी एक ही सर्कल में सेंटर से अगर किसी पॉइंट को टच करा दे, इसको हम क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं ना. तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, OC ले लो आप, ठीक है, इसको हम कह देंगे रेडियाई. समझते हैं, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है. अच्छा, OA इज इक्वल टू OC और फिर OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख लो, ऑफ सेम सर्कल. दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज congruent टू ट्रायंगल COD बाई साइड congruence, राइट. तो ट्रायंगल AOB इज congruent टू ट्रायंगल COD बाई साइड. तो अगर ये साइड से congruent हो गया, तो इसके corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल की मदद से हम ये साबित कर सकते हैं जो हमें साबित करना था. तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, ठीक है. प्रूव दैट द If angle subtended by two chords of a circle at center are equal, then chords are equal.
थ्योरम क्या है? थ्योरम है प्रूव करो कि अगर इफ अगर यदि एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स ऑफ सर्कल किसी एक सर्कल के दो कॉर्ड से अगर एंगल सबटेंड किया जाए कहाँ पर, सेंटर पर, और वो दोनों जो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वही इक्वल हो जाए, तब क्या है कि कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट में क्या था याद करिए, पहले स्टेटमेंट में था कि आपके पास एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स थे, राइट? यस सर। कहीं भी थे वो, तो दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे थे। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल के कोई दो कॉर्ड्स हैं, और वो दोनों कॉर्ड ने सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया है, मतलब ये एंगल इस एंगल क्या हुआ है, इक्वल है, तब प्रूफ करो कि ये दोनों कॉर्ड्स भी क्या हैं, इक्वल है। तो क्या ये उसका कन्वर्स हुआ? कंप्लीटली कन्वर्स हुआ। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो बस वही आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम आपने दे दिया ए बी, ये दे दिया आपने सी डी, और यहाँ दे दिया ओ। क्या आपके पास गिवन रहेगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी गिवन रहेगा। इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ अ सर्कल। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी फिर से रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कैसे है, ये तो गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई सी पी सी डी ना एस एस साइड एंगल साइड, मैं लिख रहा हूँ सी पी सी डी तो देख भी रहा है सी पी सी डी। चलो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू सी डी, इसे कहते हैं कन्वर्स। ठीक है, मैंने कर दिया, लिख लीजिए इसको भी, लिखेगा डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिखेगा टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। अगर उनके पास इक्वल रेडियाई होगा तो उन्हें हम उस सर्कल को हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। देखिएगा किसी सर्कल को डिनोट कैसे करते हैं आपको पता है, किसी सर्कल को डिनोट करने का दो तरीका होता है, एक उसका पॉइंट सेंटर और उसका रेडियस। तो मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ, इसका सेंटर है यहाँ पर, इसका नाम मैंने दिया ओ, और इसका रेडियस कितना है आर, ठीक है ना। तो इस सर्कल का नाम है सी वन, और ये दूसरा सर्कल है तो इसका सेंटर तो कहीं और है, तो क्या हम इसका सेंटर को ओ डैश लेंगे, ओ लेंगे नहीं, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ डैश, और इसका भी रेडियस अगर इतना ही बड़ा है जितना इसका है, और इसका नाम है मान लीजिए सी टू, तो आप क्या कहोगे, दिस इम्प्लाइज दैट सी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू सी टू, ठीक है, या सी वन ओ कॉमा आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी टू ओ डैश कॉमा आर। समझ में, यानी कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब और तब जब इनके सेंटर तो अलग अलग हों लेकिन रेडियस सेम हो। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक काम करना, आप अपना कंपास ले लेना, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना, मार्क कर लेना अपने कंपास में, एक जगह रख करके इसे घुमा देना और फिर दूसरी जगह भी रख कर घुमा देना, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही कहलाएगा। कैसे नहीं हो सकता है, छोटा मोटा क्या होता है, छोटा बड़ा होगा तो उसका रेडियस चेंज तो कॉन्ग्रुएंट नहीं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो सकता है ना, कैसे कह दिया नहीं हो सकता है। चलिए इतना लिख लीजिए फिर अगली क्लास में।